Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DS that is distributed system की क्लास करेंगे, क्लास 8 करने वाले हैं जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की क्लास 8 करना शुरू करते हैं. इससे पहले क्लास 7 कर लिया है, जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ एक बार जाके प्ले लिस्ट से गो थ्रू कर ले, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई तो आप इसको कवर अप कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं. पहला है आपका वेक्टर क्लॉक. वेक्टर क्लॉक क्या होता है बेटा? द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर क्लॉक स्टेट्स दैट, जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर क्लॉक का वो ये बताता है दैट द क्लॉक स्टेट ऑफ ईच प्रोसेस इन इट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर. दिस इंटीजर इज कॉल्ड इंटीजर वेक्टर और हैज़ ओवर अ लेंथ ऑफ एन. ठीक है, तो क्या बोला गया, जो क्लॉक स्टेट है आपका हर एक प्रोसेस का वो किस फॉर्म में होता है? एक फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में होता है. दिस इंटीजर, इस इंटीजर को हम लोग इंटीजर वेक्टर भी कह सकते हैं और अब वेक्टर लेंथ भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग एन बनाया हुआ है. ठीक, उसके बाद आते हैं कि द सिस्टम ऑफ द वेक्टर क्लॉक, जो सिस्टम होता है वेक्टर क्लॉक का, वॉज इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड बाय द फ्रिस्ट एंड मैट्रन. जो हमारा वेक्टर क्लॉक का जो आपने इंडिपेंडेंटली बनाया था, जिसने वो किसने बनाया था? फिस्ट एंड मैटन ने बनाया था. ये आपका किसने? वेक्टर क्लॉक ने बताया था. ठीक है, ये सिस्टम ऑफ वेक्टर क्लॉक का किसने एक्सप्लेन किया था, प्लीज़ इसको नोट कर लो, जो आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बाद आते हैं कैजुअल ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज. कैजुअल ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज क्या होता है बेटा? देखिए, स्टार्ट करते हैं कैजुअल ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज. दैट इज द कैजुअल ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज डील्स विद द नोटेशंस ऑफ मेंटेनिंग द सेम कैजुअल रिलेशनशिप. जो कैजुअल ऑर्डरिंग होता है वो मैसेज को डील करता है उसके नोटेशन को मेंटेन करने के लिए सेम या कैजुअल रिलेशनशिप को, दैट होल्ड्स अमंग मैसेज सेंड. मैसेज सेंड हो रहा है, होल्ड करेगा पहले कि मैसेज सेंड हो रहा है नहीं हो रहा है. इवेंट्स विद करस्पॉन्डिंग मैसेज रिसीव्ड इवेंट्स, तो मैसेज सेंड से लेके मैसेज रिसीव तक सारे इवेंट्स को होल्ड करता है कॉल कैजुअल ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज. उसके बाद आता है आपका द टेक्निक्स फॉर द कैजुअल ऑर्डरिंग. तो टेक्निक्स ऑफ द कैजुअल ऑर्डरिंग ऑफ अ मैसेज आर यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन सच एज रेप्लिकेटेड डेटाबेस सिस्टम. तो ये जो कैजुअल ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज होता है ये यूजफुल क्या होता है? इसके एप्लीकेशन के सच एज रेप्लिकेशन डेटाबेस सिस्टम इस which it is important that every process in charge of updating which is it important that every process in charge of updating replica receives. replica receives करता है, replica मतलब application database system के लिए the update of the same order of the maintain the consistency of the database. इसी वजह से उस particular database की consistency को maintain करने के लिए भी casual ordering of message भी अपना performance देता है. ये एक तरह की technique है जो casual ordering message को use करता है. ठीक है, उसके बाद कैजुअल ऑर्डरिंग मैसेजिंग आपके कितने तरह का होता है, तो वो बताती हूँ मैं आपको कि कैजुअल ऑर्डरिंग आपका कितने तरह का होता है. दैट इज, फर्स्ट इज बर्मन सिकअप सेपेंसन प्रोटोकॉल. ठीक है, ये पहला होता है. दूसरा होता है सिपिकर एग्ले सेंडर्स प्रोटोकॉल. ये दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं आपके कैजुअल ऑर्डरिंग मैसेज के. उसके बाद सेंडिंग ऑफ मैसेज एम फ्रॉम प्रोसेसर पी वन टू प्रोसेसर पी टू. अराइवल ऑफ मैसेज एम एट प्रोसेसर पी टू. तो पहले क्या होता है कि सेंड किया आपने मैसेज को पी वन से पी टू तक के, और दूसरा होता है कि अराइव होता है मैसेज एम से पी टू तक. तो दोनों प्रोसेसर को एक साथ करते हैं. क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन इन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.